खत्म ही है जी। स्प्रेयां करी जाने पांच स्प्रेयां करते हैं तू पहला वधिया स्प्रेयां जिहड़ियां कहिंदे सी महकमा कहिंदा उही करदे भी फुल्लां तों कहिंदा जिहड़ी टिंडे दे विच वड़ गई सी हुंदी उहदा कोई स्प्रे नहीं मार रही जिहड़ी फुल्लां दे उत्ते हैगी फुल्ल वी बंद आ उहते मसा पैंदी आ दवाई स्प्रेयां करी जाने नुकसान साडा उन्ने होई जांदा हैगा जे स्प्रेयां करके भी कोई हल नहीं निकलदा फिर तां हुण सरकारां नूं देखणा चाहीदा ना यकीन तो जी हूँ कहते इन्हों के पते ही अपन जी पहला कुछ नहीं हो रहा तो दूपला जो द बी चंगे दे आते दवाइया चंगी आदि हो सकता मर जाती तो सरकार जो उधर उन्हों का नहीं सुन रहे कुछ जिमीदार इन्हों का की सुनना किसी पिछले कुछ दिनों तो मानसा जिले च गुलाबी सुंडी का हमला वेखन आया असी किसान भरावां नूं पहला भी किसान कैंप ला ला के जागरूक करते रहे हैं भी अपने खेतों का लगातार सर्वे करते रहन जिथे कि भी इन्हों फुलों के गुलाबी सुंडी 5% तक दिसदी आ खेतों में तुरंत स्प्रे की जाए जेकर 5% तो हमला घट आता तो फिर स्प्रे करने की कोई ज़्यादा लोड़ नहीं पैंदी जिन्हां जिन्हां खेतों में भी सुंडी का हमला 5% या इस तो बढ़ गया उन्हां पिंडां च असीं स्प्रे की सिफारिश करते हैं असीं हुण स्पैशल 6 तरीक तो लैके 10 तरीक तक मानजो डायरैक्टर खेतीबाड़ी पंजाब जी के हुक्मानुसार सारे पिंडां विच कैंप लगा रहे हैं 10 तरीक तक असीं सारे पिंड जिले के कवर करांगे ते सारे पिंडां च कैंप लगा के किसानां नूं ये हमले बारे तो यदि रोकथाम बारे जागरूक करेंगे दोस्तों रापुर पिंड पहुँचे हाँ इस समय जिथे नरमे की वैलट आ जिथे भी नरमा बीजा हुआ अज गुलाबी सुंडी है जी परेशान करती नज़र आ रही है तो जिहड़ियां फसलां ने लगातार सारिया तबाह होंगे नज़र आ रही किसान की गल करिए किसान लंबे समय तो परेशान ही हुंदा नज़र आ रहा क्योंकि पहला किसानों की गल करिए केंद्र सरकार का सताया हुआ किसान 1 साल तो सड़कों पर तुरया फिर रहा उस तो बाद पंजाब सरकार दी नीतियां कारण किसान जिहड़ा परेशान हुंदा आउंदा जे अज गल करिए जो सरकारां तो किते किसान बचण की कोशिश करदा तां जिहड़ी कुदरती करोपी आ उस दे उपर आ डिगदी आ ते जे हुण गल करदे आ नरमा वैलट जिन्नी भी आ जिथे नरमा बीजिया होया गा उस नरमे दे विच अज गुलाबी सुंडी आ जिहड़ी उह आ वड़ी आ ते सारे दा सारा जिहड़ा नरमा बर्बाद हुंदा नज़र आ रहा जे आपां असी तो वैसे एक पिंड च पहुंचे पर जे गल करांगे अज हज़ारां ही एकड़ा जिहड़ा वह नरमा खराब हो ही जा रहा पर सरकारां वल्लों फिलहाल उसका हले कोई भी हल नहीं किया गया गल करदे आ साडे नाल किसान ने इन्हां दा की कहना गा वीर जी की नाम गुरविंदर सिंह गुरविंदर किन्नी की जिहड़ी फसल तुहाडी नरमे दी किन्नी की बीजी आ की नुकसान आ नरमे फसल सारे 20 एकड़ जी जिहड़ा नुकसान ज़्यादा उरे घर दे कोल पिंड दे नेड़े जिहड़ा उत्थे थोड़ा वध 90% ही हैगा 90% यानी कि सारी फसल ही खराब खत्म ही है जी उन्हें स्प्रेयां करी जाने 5 स्प्रेयां करते हैं तू पहला वधिया स्प्रेयां जिहड़ियां कहिंदे सी महकमा कहिंदा उही करदे ते जिहड़ियां 5 स्प्रेयां कीतियां उहदे नाल की फर्क पिया उहदा कोई फर्क नहीं पिया ते खेतीबाड़ी महकमा हमेशा अगे आउंदा हुंदा गा खेतीबाड़ी महकमे नाल गल नहीं होई गल होई सीगी आए सीगे 5-6 दिन हो गए ते उहदे उह दस्स गए सी आह स्प्रे करो सी उह वी करती उहदे नाल किन्ना फर्क पिया थोड़ा कंट्रोल होया उहदे नाल भी फुलों तो कहना जी टिंडे के बिच वड़ गई सुंडी वह कोई स्प्रे नहीं मार रही जी फुलों के उत्ते हैगी फुल भी बंद है उत्ते भी मसा पैंती है दवाई क्यों टिंडा का पक्या ज्यादा जी वह काम कर नहीं रही महकमा हूँ परसों भी कहने भी अभी आवेंगे अच्क तरीक हो गई 6-8 तरीक में कहते इतने भी मीटिंग रखा पिंड आने फोन आया है चनीर तो मुंडा गुरप्रीत तो फिर उन्होंने गल नहीं करी भी साडा कोई वाजब हल करो ज कोई हल होना चाहिए क्योंकि तो फिर परेशानी की गल कर हाँ गल करी सी उन्होंने बाकी ट्रायल भी लाए नहीं कहीं ट्रायल तो तुम दसांगे भी कि स्प्रे काम कर रही है जो ट्रायल लाई जाते हैं मतलब कोई फेम का कोई अमाउंट का कोई क्योरा करा सारिया करी जाने उन्होंने अपने वालों अंदाजे जोड़े लाए आ स्प्रे छोटिया ला दी स्प्रे करा दी पर जे उन्होंने हल नहीं होंगे की मंग रहो छोटी मंग तो यही है जी फिर सू तो ज़्यादा मार मिलनी चाहिए जी जो स्प्रे करी जाने नुकसान साढ़ा उन्ने हो जाता है जे स्प्रेयां करके भी कोई हल नहीं निकलता फिर तो हुण सरकारां नूं देखना चाहीदा ना गल यही करदे सी तुसीं स्प्रे करी जांदे हो हर दिन जिहड़ी स्प्रे आउंदी आ उह वी बहुत महंगीआं ने स्प्रेयां रोज़ करनियां पैंदियां पर
लगातार स्प्रे करके भी थोड़ा हल नहीं हो रहा, फिर की करोगे? फिर तो यही है जी, हम गवर्नमेंट को चाहिए गल तो लगता फिर भी गवर्नमेंट हल करू भी जे आने महकमा आऊगा तो दसूगा उन्होंने कह उन्होंने को गल जाऊगी फिर ही पता लगेगा तो हम बैठे ने कहला भी उन्होंने तो कोई है नहीं गा भी सुन है कि नहीं है बस एक बार स्प्रे दस के बागे वापस नहीं आ रहे चाहे हल। हाँ स्प्रे अभी करी जाने के कोई वापस मतलब कोई देखना आना भी जो आने मतलब 5-7 दिन उदों तो खा जूगी सूँ तो हल छेती मिलना चाहिए ये सुनडी तकरीबन सारे होगी हमने तो जे सोडा कि हम जिम्मे कहना 90% तो खराब हो चुके 10% हो रहा वह भी खराब हो जाता यकीन हैगा भी सरकार वालों मुआवजा मिलेगा? यकीन तो जी हूँ कहते हैं इन्होंने पता ही अपन जी पहला कुछ नहीं हो रहा तो इतों पहला जो द बी चंगे दे आते दवाइया चंगी आदि हो सकता मर जाती दवाइया कंट्रोल ही नहीं कर रही दवाइया यानी कि दवाइया एक्चुअल दवाइया है। हाँ जी दवाई कोई कम नहीं कर रही जमा जब जमा बिच डबो दो फिर मसा मरती है फिर घर का जो कारोबार आ जान जे आप लेने देने होंगे होर जे वह पहले ही फसलों से टिके हुए वो तो जी हम सारे खूह हरेक पट्टी बैठा गा नरमे देख के 100 कम बिड़ते हैं आप हूँ अं खड़े हैं भी कोई कम नहीं वो नज़र कर रहे अभी जो फसल आऊगी तो 2 रुपये आने जिमीदार को फिर कुछ करूगा सारा कम ही सिरते खेतीबाड़ी से निर्भर है खराब हो जाता सरकार वालों भी कोई सही वाह ना फड़ेगी फिर घर के गुजारे का फिर की करो गुजारा तो जी हूँ परमात्मा ही साढ़ा तो हूँ होर का कोई हल नहीं गा आड़ती फड़ा ब्याज से फड़ा पैसे लगता नहीं भी किसान तो हमेशा कष्ट ही है क्योंकि पहला किसान सरकार के सताए से हुण कुदरत भी सताने लग गई किसान करू की किसान तो कुछ नहीं कर रहा देखो हूँ तो दिल्ली बैठे भी साल हो गया किसानों वो तंग हो जाते बुढ़े बैठे बेचारे बजुर्ग बैठे ने गे तो हूँ आ रही खुद आ सुी पैगी जेडे इतने काम करते आप चलो अद्धे उत्थे बहार रखे ने बंदे अद्धे काम करी जाते हैं तो सरकार उधर उन्हों का नहीं सुन रहे कुछ जिमीदारा का इन्हों का की सुनना किसी ने लगता नहीं मतलब भी कोई हल हल हूँ दीदा नहीं गा जी जे हल दीदा होंगे फिर बस पहले कर दें उन्होंने चंगे बीज आते जो बीज आज की खराबी है फुल भी आई है खराबी का बीज जे अगे पुड़ी अड पाँदे नॉन बीटी वो बिचर ला के भेजे इन्होंने उन्होंने ना कोई फुल है तो ना ही कोई टिंड का की बनना जी वो बिचर ला करके उन्होंने सुंडी उतो ज़्यादा बढ़ गई पिछली बार भी आई थी पिछली बार थोड़ी लेट आई थी इन्होंने पहले ध्यान रखना सी बीज भी सुंडी पिछली बार आ गई थी जो भी उदो उन्होंने कोई हल कढ़ना सी तो हूँ तो कोई हल नहीं हूँ तक किसी को नहीं हल उस समय सू पुछ के आते तुम कि करिए कहते नहीं आह करिए जी होर भी वीर है साढ़े नाल की कहना सोडा सोडे को भी फसल मतलब कि बीजी कि नरमा लाया भी आप काफ़ी नरमा लाया जी ये तकरीबन अपने जुलाई के 20 जुलाई के पिंड के नेड़े मतलब अपने बिंदर दे गुरविंदर दे कह दो ये 20 जुलाई में सुंडी आ गई सी भी ना अपने करासी वाला मुंडा आया सीगा अपना नाम आनंदी तो वो दस के गया सी कहिंदा तुहाडे गुलाबी सुंडी आ गई भी फिर असी जिहड़ी गुलाबी सुंडी आई सी सिर्फ ये कल्ले फुल्लां दे विच सीगी वो दस के वह कहिंदा स्प्रेहां करो सानूं उहने दस्से पिंड दे नाल नाल आई सी फिर असी दूर भी देखिया मतलब अपने पिंड तो दूर जाके उत्थे दूर पिंड ते है नहीं सी गुलाबी सुंडी हाथ च चक्की बैठे हो तुसीं ये जिहड़ा इस च भी मतलब सुंडी ही है सारी ये नजर हां इहदे विच सारी बिल्कुल नेड़ियों दिखाना चाहांगे तुहानूं एक बार इहनूं नेड़ियों दिखावांगे किस तरह दा इहदे विच जिहड़े सुंडी है किवें खराब हुंदा सुंडी फुल दे विच भी है ये सारी टिंडी दे विच टिंडा इहने सारा इहने खराब कीता पिया जो टिंडा बन जांदा टिंडा जदों बन जांदा टिंडा ए हो जांदा ए टिंडे दे विच है मोरी करके विच भग जांदी है जो तकड़ी हो जांदी है मड़ी बिल्कुल जो छोटी है तो फुल खाई जांदी की कहोगे हुण यकीन हैगा सरकारां नूं भी सरकारां नूं हल करना चाहिंदा है हैगा यकीन तुहानूं नहीं सरकार हल करना चाहिए भी यकीन तो कुछ नहीं गा एक साल हो गया दिल्ली किसान धरने के बैठे इन्होंने 3 काले कानून बनाए से उन्होंने कोई हल नहीं निकल रहे जिमीदार उत्थे सड़कों पर रुलते पे इन्हों सेंटर सरकार कोई ना कोई तो अपना पंजाब सरकार हल करना चाहिए घर का गुजारा से सारा नरमे तो ही होना हो हाँ ये सारा जो गुजारा चलता हरेक का चलता मतलब तुम ला लो अपना तकरीबन गुजारा फसल भी चलता फसल फिर हूँ सारी खराब हो हाँ फसल हूँ खराब हो जाता सारा रेट भी साढ़े बहुत है साढ़े मतलब झोने वाल का ला लो नरमे वाल का ला लो 55-60 हज़ार का रेट हाँ ठेकों के हाँ ठेकों के मतलब अपने वाहन लेके खेती करते हैं फिर तो ये कह सकते हैं भी हूँ परमात्मा सहारी खेती हो चुकी है हाँ हूँ सारा परमात्मा ने छड़िया हो बिल्कुल दोस्तों जे इतने देखा जाए तो खेतीबाड़ी महकमे वालों इतने आ के इन्हों का हल करना बनता सी पर एक बार आ गए इन्हों स्प्रे दस गए इन्हों का कहना स्प्रे भी सूँ कुछ फर्क तो पाया पर जी बिच
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਸੁੰਡੀ ਪੜ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 90% ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਆਊ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com